हमारे भारत देश में इस समय लगभग 5,000 विदेशी कंपनियां पूरे भारत देश में व्यापार कर रही हैं। इनमें से कुछ विदेशी कंपनियां ऐसी हैं जो सीधे अपनी शाखा स्थापित करके भारत में व्यापार कर रही हैं, कुछ विदेशी कंपनियां ऐसी हैं जो भारतीय कंपनियों के साथ समझौता करके व्यापार कर रही हैं। सीधे व्यापार करने वाली कुछ कंपनियां हैं, जैसे पेप्सी कोला है, कोका कोला है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, रैकेट एंड कोलमैन है, जॉनसन एंड जॉनसन है, सीबग आईगी है, नोवार्टिस है, हिंदुस्तान लीवर है। ये सारी कंपनियां सीधे व्यापार करती हैं। और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो भारतीय कंपनियों के साथ समझौता करके व्यापार करती हैं, जैसे कावासाकी बजाज है, इंडो सुजुकी है, हीरो होंडा है, यामाहा माज़दा है। तो ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो समझौते करके काम करती हैं और कुछ कंपनियां हैं जो सीधे काम करती हैं। और समझौते दो तरह के होते हैं, एक तो कुछ कंपनियां तकनीकी रूप से समझौते करती हैं भारत में, और कुछ कंपनियां वित्तीय रूप से समझौते करती हैं, पूंजी के आधार पर समझौते करती हैं। तो सीधे काम करने वाली, समझौता करके काम करने वाली कुल कंपनियों की संख्या लगभग 5,000 है। इन कंपनियों को हमारे देश में बुलाया गया है, बाकायदा इनको निमंत्रण दिया गया है। इन कंपनियों के लिए हमारी सरकारों ने लाल कालीन बिछाया है और इनका ऐसे स्वागत किया है जैसे कभी भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे कुछ राजा महाराजाओं ने स्वागत किया था। हमारे देश में सन 1991 से सरकार की एक नीति चल रही है, उस नीति का नाम है उदारीकरण, उसका एक दूसरा नाम है वैश्वीकरण, और एक उसका तीसरा नाम है निजीकरण। अंग्रेजी में इसको ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के नाम से हम जानते हैं। आप नियमित रूप से अगर समाचार पत्र पढ़ते होंगे, अखबारों को पढ़ते होंगे, टेलीविज़न चैनल पे न्यूज़ देखते होंगे, तो बार बार आपको ये शब्दों के बारे में जानकारी मिलती होगी कि भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति के तहत इतनी विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया। कभी ऐसा समाचार आता है कि भारत सरकार ने वैश्वीकरण की नीति के तहत इतनी अधिक विदेशी पूंजी निवेश के समझौते किए। कभी ऐसा समाचार आता है कि भारत सरकार ने तकनीकी आयात करने के लिए इतनी विदेशी कंपनियों को भारत में बुलाया। ऐसे समाचार हमारे जीवन में पिछले करीब 15-17 वर्षों से नियमित रूप से हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और इन नीतियों के तहत ये विदेशी कंपनियों को बुलाया जा रहा है। सरकार को जब ये कहा जाता है कि आप इन विदेशी कंपनियों को क्यों बुला रहे हैं, जबकि हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि गलती से हमने 17वीं शताब्दी में एक विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी को बुला लिया था और हम 200-250 साल के लिए गुलाम हो गए थे, अब आज़ादी के 62-63 वर्षों के बाद 5,000 से ज़्यादा कंपनियों को बुलाना क्या देश की आज़ादी को गिरवी रखने जैसा नहीं है? क्या हमारी देश की आज़ादी के साथ कोई समझौता तो नहीं हो रहा है? क्या हमारी देश की आज़ादी खतरे में तो नहीं पड़ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर हम दोबारा से गुलाम हो जाएं उन देशों के जिनसे मुश्किल से हम 1947 में आज़ाद हुए? तो सरकारों के सामने जब ये तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि आखिर आप इन विदेशी कंपनियों को बुला क्यों रहे हैं, क्या ज़रूरत है इनकी, क्या हम भारतवासी अपना विकास खुद नहीं कर सकते, क्या हमारे पास पूंजी की बहुत कमी है, क्या हमारे पास तकनीकी नहीं है, क्या हमारे पास श्रम शक्ति नहीं है, ऐसी कौन सी कमी भारत में है जो हम विदेशी कंपनियों को बुला रहे हैं? तो सरकार की तरफ से चार उत्तर दिए जाते हैं, चार तर्क दिए जाते हैं। सबसे पहला तर्क हमारी सरकार देती है कि जब विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं तो इनके आने से पूंजी आती है, इनके आने से पैसा आता है, और भारत को पूंजी की ज़रूरत है इसलिए विदेशी कंपनियों को बुलाया जाता है। फिर दूसरा तर्क हमारी सरकार ये देती है कि जब ये विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं तो भारत का निर्यात बढ़ता है, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ता है, क्योंकि कई सारी विदेशी कंपनियां भारत सरकार से जो समझौता करती हैं वो निर्यात का समझौता होता है, एक्सपोर्ट का समझौता करते हैं। तो सरकार का ऐसा कहना है कि इन कंपनियों के आने से भारत का निर्यात बहुत अधिक बढ़ सकता है। और तीसरा तर्क भारत सरकार का ये है कि जब ये विदेशी कंपनियां आती हैं और हमारे देश में इनके कारखाने लगते हैं
तो उन कारखानों में लोगों को रोजगार मिलता है, काम मिलता है, और लोगों को रोजगार और काम मिलने से गरीबी कम होती है, बेकारी कम होती है। ये तीसरा तर्क है। और चौथा और आखिरी तर्क है हमारी सरकार का, जो सबसे बड़ी ताकत से सरकार हमारे सामने प्रस्तुत करती है, वो ये कि जब भी विदेशी कंपनियां आती हैं तो हमारे देश में तकनीकी आती है, टेक्नोलॉजी आती है। विदेशी कंपनियों के आने से हमको तकनीकी मिलेगी, विदेशी कंपनियों के आने से भारत में रोजगार बढ़ेगा, विदेशी कंपनियों के आने से भारत में पूंजी निवेश ज़्यादा होगा, और विदेशी कंपनियों के आने से भारत में निर्यात अधिक होगा। इन चार तर्कों के आधार पर हमारी सरकार विदेशी कंपनियों को बुलाती है। आपको इस बात की जानकारी है कि विदेशी कंपनियों को बुलाने में अब भारत की सरकार जो केंद्र में काम करती है ये तो लगी ही हुई है, राज्यों की सरकारें भी विदेशी कंपनियों को बुलाती हैं। हमारे भारत देश में ऐसे कई राज्य हैं जहां के मुख्यमंत्री विदेश यात्रा पर जाते हैं और विदेशी पूंजी के समझौते करके विदेशी कंपनियों को बुला के लाते हैं। आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, लगभग भारत के सभी राज्यों में, कुछ उत्तर पूर्व के राज्यों को छोड़कर, जैसे आसाम है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, सिक्किम है, ये भारत के जो छोटे छोटे सात राज्य हैं, यहाँ की सरकारें विदेशी कंपनियों को ज़्यादा नहीं बुलाती हैं। तो इन सात राज्यों को छोड़कर भारत के जो 22-23 बड़े राज्य हैं, इनकी सरकारें राज्य स्तर पर भी विदेशी कंपनियों को बड़ी मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में बुलाती रहती हैं। तो राज्य सरकारों द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा जो विदेशी कंपनियों को बुलाए जाने के तर्क हैं, उनका कुछ समय से मैं अध्ययन करने की कोशिश कर रहा हूं और ये जानने की कोशिश करता रहा हूं कि क्या सरकार के द्वारा दिए गए ये तर्क सच हैं, क्या वास्तव में हमारे देश में पूंजी आ रही है, क्या वास्तव में कोई तकनीकी हमें मिल रही है, क्या हमारा सच में निर्यात बहुत बढ़ रहा है, या हमारे देश में रोजगार बहुत अधिक हो रहा है। इन आधारों पर ये जानने की कोशिश की और इसके लिए सरकार के ही दस्तावेज मैंने इकट्ठे किए, और पिछले कुछ वर्षों से जो सरकारी दस्तावेज मैंने देखे, पढ़े, समझे, जाने, और उनको कोशिश भी की है अपने यहाँ पुस्तकालय में लाने की, और कुछ दस्तावेज आए भी हैं, ये दस्तावेज कुछ दूसरी कहानी कहते हैं, बिल्कुल दूसरा चित्र प्रस्तुत करते हैं। और मुझे लगता है कि सरकार के दस्तावेज ही सरकार की पोल खोलते हैं। एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि विदेशी कंपनी आती है तो पूंजी आती है, और सरकार के जो दस्तावेज हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आप जानते हैं सबसे अधिक दस्तावेज हैं विदेशी कंपनियों के बारे में, फिर हमारे देश में जो मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्थाएं हैं, जैसे एक विदेश व्यापार मंत्रालय हमारे देश में है, उनका एक विदेश व्यापार निगम है, उसके कुछ दस्तावेज हैं, उसके कुछ आंकड़े हैं, फिर हमारे देश की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री है, जो उद्योग मंत्रालय है हमारे देश का, वाणिज्य मंत्रालय है, उसके कुछ आंकड़े हैं, और वित्त मंत्रालय के कुछ आंकड़े हैं। उन आंकड़ों के आधार पर अगर मैं आपसे बात करूं तो चित्र बिल्कुल दूसरा ही दिखाई देता है, और वो चित्र ये दिखाई देता है कि विदेशी कंपनी भारत में आकर पूंजी नहीं लाती है, विदेशी कंपनी भारत से पूंजी लेकर जाती है। आप जरा एक छोटी सी बात को समझने की कोशिश करें कि कोई कंपनी अपने देश की पूंजी भारत में क्यों लाएगी? क्या वो मूर्ख हैं? अमेरिका की कंपनी अमेरिका से पूंजी लेकर भारत में आएगी जब अमेरिका में पूंजी की बहुत कमी है, यूरोप में पूंजी की बहुत कमी है, और अमेरिका और यूरोप में पूंजी की कमी के कारण उनके बड़े बड़े कारखाने बंद हो गए हैं, अमेरिका और यूरोप में पूंजी की कमी के कारण उनकी कंपनियां बंद हो रही हैं। अमेरिका में तो आप जानते हैं इस समय इतनी भयंकर मंदी फैली हुई है कि अमेरिका की जो बड़ी बड़ी बैंकें थीं, अमेरिकन एक्सप्रेस, ANZ, ग्रिंडलेज, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, फिर लेहमन ब्रदर्स, ऐसी 56 बड़ी बैंकें पूंजी के अभाव में, पूंजी की कमी में बंद हो गई। कारण उसका क्या है? पिछले 40 साल अमेरिका की बैंकों ने अमेरिका के लोगों को इतना कर्ज बांटा कि सारे कर्ज का पैसा वापस नहीं आया, वो कर्ज का पैसा लोगों के पास फंस गया, लोगों के पास वापस देने की ताकत नहीं है, तो बैंकों की पूंजी डूब गई, तो बैंक डूब गए, अब वो दिवालिया हो गए। अब बैंकों के दिवालिया होने से कंपनियां दिवालिया हो गईं, क्योंकि कंपनियों का पैसा बैंकों में रखा हुआ था,
अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी जनरल मोटर्स इस समय दिवालिया हो चुकी है, अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी जनरल डायनेमिक्स दिवालिया हो चुकी है। तो जिस अमेरिका में पूंजी की इतनी सारी कमी हो, वहां से कोई कंपनी पूंजी लेके भारत में क्यों आएगी? ये मोटी सी समझने की बात है। और दूसरी बात, अगर अमेरिका की कोई कंपनी भारत में आएगी तो जान लीजिए वो अपनी पूंजी लेके नहीं आएंगे, यहां से पूंजी अमेरिका ले जाने के लिए आएंगे, क्योंकि इसीलिए वो बनाए गए हैं, इसीलिए उनकी रचना की गई। ऐसे यूरोप के देशों से कोई कंपनी यहां पूंजी लेके नहीं आएगी, यहां से पूंजी लेकर वो यूरोप में जाएगी। मैंने जिन 5000 विदेशी कंपनियों का पिछले दिनों अध्ययन किया, उससे एक बात समझ में आई, वो आप सबको बताना चाहता हूं। अगर मान लीजिए अमेरिका की कोई कंपनी है, उसने 50 रुपए भारत में निवेश कर दिया 2009 में, तो ठीक एक साल के बाद 2010 में उस कंपनी की बैलेंस शीट जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि उसने हर 50 रुपए पर 150 रुपए यहां से कमा के अमेरिका को भेज दिया। $1 यहां लाया और $3 वो यहां से लेकर चले गए। 1991, 92, 92, 93, 93, 94 हर साल की मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े इकट्ठे करता रहा कि एक साल में कितनी पूंजी आती है। मान लीजिए एक साल में कभी 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी आई, तो उसी साल में 60,000 करोड़ की पूंजी यहां से चली गई। एक साल में मैं आंकड़े देखता हूं, 25,000 करोड़ की पूंजी आई, तो उसी साल में 75,000 करोड़ की पूंजी यहां से चली गई। एक साल में पता चला 30,000 करोड़ की पूंजी आई, तो उसी साल में 90,000 करोड़ की पूंजी यहां से चली गई, ठीक एक साल के बाद। तो ऐसी स्थिति हमारे देश में है। तो ज्यादा हमारे देश में पूंजी आती नहीं है, ज्यादा यहां से पूंजी चली जाती है। एक एक साल के आंकड़े निकाले मैंने और फिर इकट्ठे 15-16 साल के आंकड़े मैंने निकाले, तो पता चल रहा है कि $1 अगर आ रहा है, $3 से $4, कभी कभी तो $5 उसी साल में यहां से वापस जा रहा है। अब इसमें और एक महत्व की बात है कि अपनी पूंजी वो लगाते हैं, एक साल में ही उसका 3 गुना कमा लेते हैं, और उसके अगले अगले सालों तक 10 साल 15 साल 20 साल तक बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी पूंजी निवेश के, वो यहां से करोड़ों डॉलर कमाते रहते हैं। आप इसको सरल तरीके से समझिए कि 50 रुपए लगाकर उन्होंने धंधा शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, पहले ही साल में 150 रुपए कमा लिया, तो 3 गुना तो वो ले ही गए। अब दूसरे साल में अगर वो 200 रुपए कमाएंगे, तीसरे साल में 300 कमाएंगे, चौथे साल में 400 कमाएंगे, तो हर साल जो जाएगा एक साल के बाद, वो यहां से पूंजी की लूट है, ना कि पूंजी का भारत में प्रवेश। ये बहुत महत्व की और समझने की बात है। दूसरी एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं, वो ये कि जब भी कोई विदेशी कंपनी भारत में पूंजी लाती है तो आपको सुनकर हैरानी होगी कि वो अपने साथ बहुत थोड़ी सी पूंजी लेके आते हैं, बिल्कुल मामूली, बहुत थोड़ी, ना के बराबर, और बाकी सारी पूंजी वो व्यापार के लिए भारत से ही इकट्ठी करते हैं। हमारे देश में जो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के बारे में चर्चा होती है, उनमें सबसे बड़ी विदेशी कंपनी इस समय जो है, उसका नाम है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। नाम से इसको ऐसा लगता है कि जैसे ये हिंदुस्तानी कंपनी है, वास्तव में ये विदेशी कंपनी है। इसका असली नाम है यूनिलीवर और ये ब्रिटेन और हॉलैंड के संयुक्त उपक्रम की कंपनी है। माने कुछ ब्रिटिश लोगों का इसमें पैसा लगा हुआ है और कुछ हॉलैंड वासियों का पैसा इसमें लगा हुआ है। तो ये हिंदुस्तान लीवर नाम की कंपनी भारत में जब सबसे पहले व्यापार करने आई सन 1933 में, तो इस कंपनी ने पूंजी कितनी लगाई? इस कंपनी ने मात्र 15 लाख रुपए की पूंजी निवेश किया। इसको हम तकनीकी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, इनिशियल पेड अप कैपिटल, शुरुआत में लगाई गई पूंजी। माने व्यापार शुरू करने के लिए जो सबसे पहले पैसा डाला जाता है वो धन, इनिशियल पेड अप कैपिटल, शुरुआती चुकता पूंजी। तो यही पूंजी महत्व की होती है। बाद में तो उस पूंजी में से जो मुनाफा पैदा होता है, उस मुनाफे को वो लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं, उस मुनाफे को वो पूंजी निवेश करते रहते हैं। और वो मुनाफा तो यहां पैदा हुआ है, वो तो विदेश से नहीं आया है। यहां उन्होंने 15 लाख रुपए लगाया, अपना व्यापार शुरू किया, अपना धंधा शुरू किया, और थोड़े ही समय में उन्होंने मुनाफा कमा लिया, उस मुनाफे को फिर भारत में लगा दिया,
तो वो मुनाफा उनके देश से नहीं आया ना, वो तो भारत में से ही पैदा करके उन्होंने यहां लगा दिया। तो वास्तव में जो भारत में से पैदा हुआ मुनाफा होता है वही कंपनियों के द्वारा भारत में लगाया जाता है। अपने देश से जब वो आते हैं तो बहुत थोड़ा सा पैसा लेके आते हैं। तो हिंदुस्तान लीवर का मैं बता रहा था, लगभग ये 15 लाख रुपए लेके भारत आए थे, और 15 लाख रुपए लेकर ये आए तो इन्होंने कुछ व्यापार शुरू किया। उसी साल व्यापार के शुरू होने के 6-8 महीने के बाद इन्होंने थोड़ा सा और पैसा लाकर उसमें डाला, तो कुल मिलाकर पहले साल में इनका जो पूंजी निवेश हुआ वो 33 लाख रुपए का हुआ। अब ऐसा मान लीजिए कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने भारत देश में 33 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया, धंधा शुरू किया, आज से लगभग 70-75 साल पहले। अब ये कंपनी जो भारत से मुनाफा कमा रही है एक साल में, वो है 14,740 करोड़ रुपए। ये इनका आधिकारिक है जो उनकी बैलेंस शीट में वो दिखाते हैं। 33 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया लगभग 70-75 साल पहले, फिर उसमें से मुनाफा कमाया, मुनाफे को भारत में लगाया, फिर और मुनाफा कमाया, फिर और लगाया, फिर पैसे बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते इनका मुनाफा बढ़ता गया, और वो बढ़ते बढ़ते आज हिंदुस्तान में इनका कुल मुनाफा हो गया 14,740 करोड़ रुपए, जिसमें से ये एक साल का है, जिसमें से ये बताते हैं कि लगभग 217 करोड़ रुपए शुद्ध रूप से विदेश लेके चले जाते हैं। अब आप इसको ऐसे तुलना कर लीजिए कि 33 लाख रुपए लगाकर हर साल 217 करोड़ रुपए यहां से ले जा रहे हैं, हर साल लेके जा रहे हैं। 33 लाख लगा के 217 करोड़ रुपए हर साल लेके जा रहे हैं। अब एक साल में 217 करोड़, दो साल में लगभग 500 करोड़, तीन साल में लगभग 725 करोड़, चार साल में लगभग 925,000 करोड़, और ऐसे ही ऐसे 75 साल का अगर आप जोड़ देंगे तो हजारों करोड़ रुपए यहां से ले गए। थोड़ी सी पूंजी लगाकर हजारों करोड़ रुपए यहां से ये ले गए। तो आप समझ लीजिए, विदेशी कंपनी भारत में पूंजी लेकर नहीं आती है, यहां से पूंजी ले जाने के लिए आती है। और एक कंपनी का उदाहरण देता हूं, एक बहुत बड़ी कंपनी है हमारे देश में जो सीधे व्यापार करती है, कॉलगेट पामोलिव, वो अमेरिका की कंपनी है। ये हिंदुस्तान लीवर थी ब्रिटेन की और हॉलैंड की, कॉलगेट पामोलिव है अमेरिका की। तो कॉलगेट पामोलिव ने हिंदुस्तान में जब व्यापार शुरू किया, उसका व्यापार भी लगभग आज से 65-70 साल पहले शुरू हुआ, तो उन्होंने भारत में जो रुपया लगाया था वो करीब करीब 13 लाख रुपए। चुकता पूंजी, शुरुआती पूंजी, व्यापार शुरू करने के लिए सिर्फ 13 लाख रुपए लगाया कॉलगेट पामोलिव ने। और आज कॉलगेट पामोलिव हिंदुस्तान में से जो नेट प्रॉफिट कमा रही है और एक साल में वो यहां से अमेरिका लेकर जा रही है, वो 231 करोड़ रुपए है। सिर्फ 13 लाख रुपए भारत में निवेश करके हर साल 231 करोड़ वो कमा रहे हैं। अब एक साल में 231 करोड़, दो साल में 462 करोड़, तीन साल में, फिर चार साल में, फिर पांच साल में, और 60-65 साल का अगर आप हिसाब जोड़ें तो इस कंपनी ने भी हजारों करोड़ रुपए यहां से ले लिए। सिर्फ 13 लाख रुपए लेके आई थी ये कंपनी। एक तीसरी कंपनी का नाम बताता हूं, उसका नाम है नोवार्टिस। ये भारत में आई तो इन्होंने जो पूंजी निवेश भारत में किया वो करीब करीब 15 लाख रुपए के आसपास का इनका पूंजी निवेश है, इनिशियल पेड अप कैपिटल। और आज हिंदुस्तान में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट जो ये कमाकर अपने देश में ले जा रही है वो 94,46,00,000 रुपए है हर साल का। एक साल का 94 करोड़, दो साल का लगभग 200 करोड़ के आसपास हो गया, तीन साल का 300 करोड़ के आसपास, और इस कंपनी को काम करते हुए 40 साल हो गया इस देश में से, इसने भी हजारों करोड़ रुपए यहां से लूट लिया। एक और कंपनी का नाम बताता हूं, हॉलैंड की एक कंपनी है, उसका नाम है फिलिप्स। ये टेलीविजन बेचती है, बल्ब बेचती है, ट्यूब बेचती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बेचती है। इस कंपनी ने भारत में जब व्यापार शुरू किया था तो 1,50,00,000 रुपए की इसने पूंजी लगाई थी। अब इस कंपनी का एक साल का
जो नेट प्रॉफिट है जिसको ये कंपनी लूट कर हॉलैंड ले जा रही है वो 190 करोड़ रुपए है। 1,50,00,000 रुपए से व्यापार शुरू किया और 190 करोड़ रुपए हर साल ये भारत से लेके जा रहे हैं, और एक साल में 190 करोड़, दो साल में 380 करोड़, और फिर तीन साल में, चार साल में, और इस कंपनी को काम करते हुए भी भारत में 45 से 50 साल हो गया है, लगभग हजारों करोड़ रुपए इसने भी लूट लिया है। ऐसी एक और कंपनी बताता हूं, टायर बेचने वाली एक कंपनी है, गुडियर उसका नाम है, मूलतः अमेरिकन कंपनी है। इसने भारत देश में जब व्यापार शुरू किया तो पूंजी लगाई 2,37,00,000 रुपए। अब ये कंपनी हर साल में जो लूट कर ले जा रही है यहां से वो 40 करोड़ रुपए हर साल वो यहां से नेट प्रॉफिट के रूप में लेके चले जाते हैं। फिर इसी तरह से और एक कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है, जिसका नाम है ग्लैक्सको, दवा बेचती है, दवा के क्षेत्र की ये बड़ी कंपनी मानी जाती है। इनका जो पेड अप कैपिटल है करीब 8,40,00,000 रुपए से इन्होंने व्यापार शुरू किया इस हिंदुस्तान में, और आज ये कंपनी हर साल जो नेट प्रॉफिट कमा के ले जाती है वो 537,66,00,000 रुपए। एक साल में 537 करोड़, दो साल में 1,000 करोड़ से ज्यादा, तीन साल में 1,500 करोड़ से ज्यादा, और इस कंपनी को भी काम करते हुए करीब 30 साल हो गया भारत में, हजारों करोड़ रुपए इस देश में से वो ले गए। एक और कंपनी है, उसका नाम है फाइजर, ये अमेरिकन कंपनी है, दवा बेचती है, बहुत बड़ी कंपनी है। इसने भारत में व्यापार शुरू किया था 2,90,00,000 रुपए से, और आज इस कंपनी का नेट प्रॉफिट हमारे देश से जो ये कमा रहे हैं वो 338 करोड़ रुपए। फिर ऐसे ही एक और कंपनी है, उसका नाम है एबॉट इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी भारत में आई तो इन्होंने पूंजी निवेश किया था 1,40,00,000 के आसपास। अब इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है जो यहां से कमा के ले जा रहे हैं हर साल का 68 करोड़ रुपए। फिर और एक कंपनी है जो सिगरेट बेचती है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भारत में, और सिगरेट बेचकर हिंदुस्तान के लोगों के फेफड़े गलाती है, लोगों को व्यसन करवाती है, और जो सिगरेट पीते हैं उनको कैंसर होता है, उनके फेफड़े गलते हैं, दमा होता है, अस्थमा होता है, ब्रोंकियल अस्थमा होता है, जो सिगरेट नहीं पीते हैं उनको और जल्दी होता है, क्योंकि सिगरेट पीने वाला जो धुआं फेंकता है, नहीं पीने वाला वो धुएं को खींचता रहता है। और सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि सिगरेट पीने वाला मरता है, उससे जल्दी उसके पड़ोस में बैठा हुआ पहले मर जाता है। आप अंदाजा लगाइए, एक आईटीसी कंपनी है, उसका भारत में नाम है इंडियन टोबैको कंपनी, उसका असली नाम है अमेरिकन टोबैको कंपनी, भारत में आके नाम बदल दिया। जैसे मैंने कहा ना, हिंदुस्तान लीवर का असली नाम है यूनिलीवर, भारत में नाम रख लिया हिंदुस्तान लीवर, अब हिंदुस्तान यूनिलीवर बोलने लगे हैं उसको। ऐसे ये अमेरिकन टोबैको कंपनी ने नाम रख दिया है इंडियन टोबैको कंपनी। अब इस कंपनी का भारत देश में जो इनिशियल पेड अप कैपिटल है वो मात्र 37 करोड़ रुपए का है, और इस कंपनी का एक साल का प्रॉफिट 3,120 करोड़ रुपए का है, एक साल का प्रॉफिट, और इसको भारत में काम करते हुए करीब करीब तीन साल में 10,000 करोड़ के आसपास, और 60 साल में अगर अंदाजा आप लगाएंगे तो 1,00,000 करोड़ से ऊपर के आंकड़े निकलेंगे। कुल 38 करोड़ रुपए लगाकर इस कंपनी ने लाखों करोड़ों रुपए यहां से लूट लिए। और आप जानते हैं भारत में कि लगभग 5,00,000 लोग हर साल कैंसर से इस देश में मर जाते हैं, उन कैंसर से मरने वालों के इलाज पर जो खर्च होता होगा वो भी इस कंपनी के कारण हमारे समाज का कितना बड़ा हिस्सा है। पहले सिगरेट बेचना, लोगों को कैंसर से मारना, फिर इस देश का पैसा लेके विदेशों में चले जाना, फिर इस देश में सबसे बड़ा अत्याचार जो ये कंपनी करती है, आपको मालूम है सिगरेट बनाने के लिए कागज लगता है, और सिगरेट का कागज सबसे ज्यादा कीमती कागज होता है, और सिगरेट के कागज को बनाने के लिए सबसे ज्यादा पेड़ कटते हैं। मैंने इस कंपनी का जब अध्ययन किया तो पता चला कि ये कंपनी अगर 500 सिगरेट बनाती है तो एक पेड़ कट जाता है,
500 सिगरेट में जितना कागज लपेटा जाता है, फिर 500 सिगरेट को डिब्बियों में बंद करने के लिए जितना कागज खर्च होता है, फिर उन डिब्बियों को बड़े कार्टून में पैक करने के लिए जितना कागज खर्च होता है, फिर उन सिगरेट को बेचने के लिए जो विज्ञापन करने पड़ते हैं उसमें जो कागज खर्च होता है, तो एवरेज 500 सिगरेट पर एक पेड़ कट जाता है। और इस कंपनी की हर साल इस देश में 20 अरब से ज्यादा सिगरेट बिकती है। लगभग 14 करोड़ पेड़ हर साल ये कंपनी भारत में कटवा देती है। हम हिंदुस्तानी लोग पेड़ लगाते हैं पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, पर्यावरण की शुद्धि करने के लिए हम पेड़ लगाते हैं। सरकार हमको कहती है पेड़ लगाओ, हम सब भारत स्वाभिमान वाले पेड़ लगाते हैं, लेकिन दुख और दर्द इस बात का है कि वो पेड़ को ITC कंपनी कटवा देती है। हर साल 14 करोड़ पेड़ कट जाते हैं। और इस देश की विचित्र स्थिति क्या है कि ITC कंपनी 14 करोड़ पेड़ काटती है, भारत सरकार की नजरों में वो कोई अपराध नहीं है, लेकिन गांव का कोई साधारण आदमी जंगल में जाकर पेड़ काटकर अगर लकड़ी ले आता है तो उसको जेल हो जाती है और उसको सजा हो जाती है। और आप जानते हैं भारत में कि लगभग 5 लाख लोग हर साल कैंसर से इस देश में मर जाते हैं। उन कैंसर से मरने वालों के इलाज पर जो खर्च होता होगा वो भी इस कंपनी के कारण हमारे समाज का कितना बड़ा हिस्सा है। पहले सिगरेट बेचना, लोगों को कैंसर से मारना, फिर इस देश का पैसा लेके विदेशों में चले जाना, फिर इस देश में सबसे बड़ा अत्याचार जो ये कंपनी करती है, आपको मालूम है सिगरेट बनाने के लिए कागज लगता है और सिगरेट का कागज सबसे ज्यादा कीमती कागज होता है, और सिगरेट के कागज को बनाने के लिए सबसे ज्यादा पेड़ कटते हैं। मैंने इस कंपनी का जब अध्ययन किया तो पता चला कि ये कंपनी अगर 500 सिगरेट बनाती है तो एक पेड़ कट जाता है। 500 सिगरेट में जितना कागज लपेटा जाता है, फिर 500 सिगरेट को डिब्बियों में बंद करने के लिए जितना कागज खर्च होता है, फिर उन डिब्बियों को बड़े कार्टून में पैक करने के लिए जितना कागज खर्च होता है, फिर उन सिगरेट को बेचने के लिए जो विज्ञापन करने पड़ते हैं उसमें जो कागज खर्च होता है, तो एवरेज 500 सिगरेट पर एक पेड़ कट जाता है। और इस कंपनी की हर साल इस देश में 20 अरब से ज्यादा सिगरेट बिकती है। लगभग 14 करोड़ पेड़ हर साल ये कंपनी भारत में कटवा देती है। हम हिंदुस्तानी लोग पेड़ लगाते हैं पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, पर्यावरण की शुद्धि करने के लिए हम पेड़ लगाते हैं। सरकार हमको कहती है पेड़ लगाओ, हम सब भारत स्वाभिमान वाले पेड़ लगाते हैं, लेकिन दुख और दर्द इस बात का है कि वो पेड़ को ITC कंपनी कटवा देती है। हर साल 14 करोड़ पेड़ कट जाते हैं। और इस देश की विचित्र स्थिति क्या है कि ITC कंपनी 14 करोड़ पेड़ काटती है, भारत सरकार की नजरों में वो कोई अपराध नहीं है, लेकिन गांव का कोई साधारण आदमी जंगल में जाकर पेड़ काटकर अगर लकड़ी ले आता है तो उसको जेल हो जाती है और उसको सजा हो जाती है। अब तो ऐसी हास्यास्पद स्थिति है, जो पेड़ मैंने लगाया, आपने लगाया, अपने खेत में लगाया, उसको भी आप नहीं काट सकते। आपका लगाया हुआ पेड़ आप नहीं काट सकते, कानूनन जुर्म है और सरकार जेल की सजा करा देती है, उसमें पुलिस पकड़ के ले जाती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले ले जाते हैं। हमारे देश में हजारों हजारों वनवासी भाई बहनों पर, आदिवासी भाई बहनों पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुकदमे चल रहे हैं कि उन्होंने अपने घर में रोटी बनाने के लिए कोई पेड़ से लकड़ी ले लिया, जंगल से लकड़ी ले लिया, रोटी पकाने के लिए जंगल से लकड़ी ले लिया, तो वो अपराध है इस देश में। और सिगरेट बनाने के लिए करोड़ों पेड़ कट गए इस देश में, वो सरकार अपराध मानती ही नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि भारत की सरकार वनवासी और आदिवासियों के लिए नहीं चल रही है, भारत की सरकार ITC जैसी बड़ी कंपनियों के लिए काम कर रही है। कितनी बड़ी विडंबना! हमारे हजारों वनवासी आदिवासी भाई बहन हर महीने पुलिस थाने में दर्ज कराते हैं उपस्थिति, हर महीने उनकी अदालत में पेशी होती है, पांव घिस जाते हैं अदालत में चक्कर काटते काटते, न्याय नहीं मिलता, तारीख पर तारीख पड़ती रहती है। अपराध क्या है? बहुत मामूली सा कि उन्होंने जंगल से लकड़ी लाकर अपनी रोटी बनाई, और ITC कंपनी ने सिगरेट बनाने के लिए 14 करोड़ पेड़ हर साल काटे, 28 करोड़ पेड़ 2 साल में काटे, फिर 14 करोड़, फिर 28 करोड़, फिर कितनी बड़ी संख्या पिछले कितने वर्षों से कट रही है पेड़ों की।
ऐसी व्यवस्था हमारे देश में चल रही। तो ये मैंने कुछ उदाहरण दिए, ये सूची बहुत लंबी है। मैंने कुछ प्रमुख कंपनियों के नाम लिए, हिंदुस्तान लीवर, कॉलगेट, पामोलिव, फिलिप्स, फाइजर, ग्लेक्सको, गुडियर, क्योंकि ये नाम आप जानते हैं। ऐसे 5000 नाम है, हर एक कंपनी का एक एक आंकड़ा हमारे पास है। किसी कंपनी ने 2 करोड़ की पूंजी लगाई और वो हर साल 180 करोड़ कमा रही है, उसका नाम है बाटा। बाटा की भारत में 2 करोड़ की पूंजी है, इनिशियल पेड अप कैपिटल, और एक साल का उसका नेट प्रॉफिट 180 करोड़ रुपए का है इस देश। इसी तरह से नेस्ले एक कंपनी है। इसी तरह से हिंदुस्तान में 5000 से ज्यादा कंपनियां हैं, थोड़ी थोड़ी पूंजी लाकर, थोड़े थोड़े पैसे लाकर, 10-20-50 लाख रुपए के, और वो करोड़ों करोड़ों नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए यहां से ले जा रहे हैं। तो वास्तविकता ये है कि पूंजी विदेशों से भारत में नहीं आ रही है, भारत की पूंजी विदेशों में जा रही है। और यही कारण है कि जैसे जैसे विदेशी कंपनियां भारत में बढ़ रही, भारत की गरीबी बढ़ती चली जा रही है। मैं आपको गरीबी के साथ इसको जोड़ के बताता हूं। अगर आप एक मिनट के लिए ये मान लीजिए भारत सरकार का तर्क कि विदेशी कंपनियों के आने से पूंजी आती है, अगर हमारे देश में पूंजी बढ़ती है तो गरीबी कम होनी चाहिए, स्वाभाविक रूप है ना। लेकिन मैं आपको बताता हूं, 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब इस देश में एक विदेशी कंपनी को हमने भगाया था जिसका नाम था ईस्ट इंडिया। लेकिन 2 साल के बाद इस देश की सरकार ने 126 विदेशी कंपनियों को बुला लिया, 2 ही साल के बाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, 1948-49 में उन्होंने पहली औद्योगिक नीति बनाई और उस औद्योगिक नीति में उन्होंने संसद में घोषणा की कि भारत का विकास करना है तो विदेशी पूंजी चाहिए, हमारे पास पैसे की कमी है, अंग्रेज यहां से सब कुछ धन लूट कर ले गए हैं, खजाना हमारा खाली है, इसलिए देश का विकास करना है तो विदेशी पूंजी की जरूरत है। तो पंडित नेहरू ने इस तरह का एक लंबा भाषण दिया 1948 में लोकसभा में, और उसके बाद नीति बन गई और 126 विदेशी कंपनियां भारत में आ गई। अब उन 126 कंपनियों के आने के समय इस देश में गरीबों की संख्या थी लगभग 4.5 करोड़, सरकार के आंकड़े। सरकार कहती थी कि 1947-48 में गरीबों की संख्या लगभग 4.5 करोड़ के आसपास है। तो 4.5 करोड़ की गरीबों की संख्या थी जब 126 विदेशी कंपनियां भारत में आई। अब हमारे देश में विदेशी कंपनियों की संख्या बढ़कर 5000 हो गई आजादी के दूसरे ही साल में, 126 कंपनियां। अब आजादी के 62-63 साल के बाद 5000 विदेशी कंपनियां। तो 126 कंपनियां जितनी पूंजी लाई, 5000 कंपनियां उससे ज्यादा ही लाएंगी, तो इसका माने पूंजी और बढ़ जाएगी तो गरीबी कम हो जाएगी। लेकिन भारत सरकार के ही आंकड़े हैं कि इस समय गरीबों की संख्या हमारे देश में है 84 करोड़। आजादी आई थी तो गरीबों की संख्या थी लगभग 4.5 करोड़, अब आजादी के 62 साल के बाद गरीबों की संख्या हो गई 84 करोड़। इसका माने गरीबों की संख्या में 21 गुना वृद्धि हुई है। इसका सीधा सा मतलब है कि हिंदुस्तान की लूट में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई होगी, इसलिए गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई है, क्योंकि 5000 कंपनियों ने लूटा है इस देश को। पहले लूटती थी एक कंपनी ईस्ट इंडिया, तब हम गरीब हुए दुनिया में, अब लूटने वाली 5000 कंपनियां हैं, तो गरीबी बढ़ेगी ही, कम नहीं होने वाली। इसलिए हर साल इस देश में गरीबी बढ़ती है क्योंकि पूंजी यहां से लूट कर विदेशों में जाती है, यहां पूंजी विदेशों से आती नहीं। तो ये बात अगर आपके समझ में आए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे देश में सरकार की भाषा बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। जब हम विदेशी कंपनियों को भगाने की बात करते हैं तुरंत वो पूंजी का सवाल उठाते हैं और कहने लगते हैं कि पूंजी हिंदुस्तान में कहां से आएगी, आप विदेशी कंपनियों को भगाएंगे तो उनको आप इन आंकड़ों की मदद से ये बताइए कि पूंजी हमारी जा रही है, आ नहीं रही है। और अगर हम इन विदेशी कंपनियों को भगा देते हैं और इनके लाइसेंस रद्द कर देते हैं तो पूंजी का बाहर जाना रुक जाएगा, तो पूंजी बढ़ना इस देश में अपने आप शुरू हो जाएगा, तो गरीबी का कम होना भी अपने आप शुरू हो जाएगा, तो बेकारी का भी कम होना अपने आप शुरू हो जाएगा।